बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर नगीना शहजादी, माहिर अमराज बचगान, माहिर अमराज मैदा जिगर आंत और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था खसरा के बारे में, खसरा क्या है, उसकी क्या अलामत हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको कैसे डायग्नोज करते हैं। आज हम बात करेंगे कि खसरा की आया कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, और क्या खसरा मरीज़ों में बार बार होता है, जो पेरेंट्स का अक्सर कंसर्न होता है कि खसरा जो है अगर एक दफ़ा बच्चे को हो गया है तो क्या ये दोबारा भी होगा। और इसी तरह बहुत सी और बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स है, उसके साथ भी अक्सर लोग खसरे को मिक्स करते हैं। खसरे का इलाज बिल्कुल मुमकिन है और इसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड है, उसी के दौरान पेरेंट बच्चा जो है 10 से 14 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है। और इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है अगर बच्चे को या बड़े को, तो उसमें खसरा जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या बच्चे की इम्यूनिटी कम है, कुव्वत मुदाफ़त कम है, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम ज़्यादा हैं। तो अगर बच्चे आपका वेल थ्राइविंग है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो फिर बच्चे इन्फेक्शंस को कॉप अप कर लेते हैं और वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको खसरा नहीं हुआ और उनकी वैक्सीन भी नहीं हुई। तो खसरे की वैक्सीन गवर्नमेंट जो पाकिस्तान का EPI शेड्यूल है उसके अंदर खसरे की वैक्सीन मौजूद है और वो 9 मंथ्स पे लगाई जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज है वो 2 वैक्सीन्स के साथ मिक्स है, उसमें मीज़ल्स भी है, मम्प्स भी है और रुबेला भी है, MMR के नाम से अवेलेबल है और वो आप अपने बच्चों को लाजमी लगवाएं। उसकी वजह से 97% जो है वो बच्चे इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। फिर सेकेंड डोज जो है खसरे की वैक्सीन की, वो 4 से 6 साल की उम्र में है, स्कूल जाने से पहले बच्चे को खसरे की सेकेंड डोज लाजमी लगवाएं ताकि आने वाले वक्त में बच्चा इस मोहलिक बीमारी से बच सके, और ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। फिर वो बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा इन केस छोटी उम्र में आप उसको खसरे की वैक्सीन नहीं लगवा सके, तो उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जो 12 से 15 माह की उम्र से ज़्यादा है और उनकी वैक्सीन मिस हो गई है, तो बड़े बच्चों में इसकी 2 डोजेज़ हैं वैक्सीन की, मीज़ल्स की, और वो 4 हफ्ते के वक्फे से लगाई जाती हैं। यानी पहली डोज जब लगेगी उसके 4 हफ्ते के बाद उसकी सेकेंड डोज लगेगी। और एक इसकी जो वैक्सीन है वो वेरिसिला के साथ कम्बिनेशन में 4 वैक्सीन्स आती हैं, जिसमें मीज़ल्स भी है, मम्स है, रुबेला है और वेरिसिला है। तो ये 4 वैक्सीन कम्बिनेशन के साथ भी लगाई जा सकती हैं। तो ये बताने का मकसद कि खसरा बिल्कुल काबिल इलाज है, इससे बचा भी जा सकता है। अगर जिस किसी पेशेंट को है उससे भी बचाव मुमकिन है, आप उसको आइसोलेट रखें, अलहदा कमरे में रखें, और अगर आप उन बच्चे की या जिसको इन्फेक्शन है उसकी आईज़ को टच करते हैं या उसकी रैश को टच करते हैं, जब वो बच्चा खांसता है या बोलता है या स्नीजिंग करता है, तो उससे भी ये स्प्रेड होता है। तो उस जो भी पेरेंट उसको लुक आफ्टर करें, वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करें,